अस्सलाम वालेकुम, ये मोइज का नाश्ता तैयार है और ये मोइज है। सर थैंक यू। ये शाह बाबा का नाश्ता भी रेडी है और ये यहाँ रख देंगे इधर। शाह बाबा आपका नाश्ता रेडी है। बाबा आज का क्या प्रोग्राम है? आज एक ही क्लास है। अच्छा, कितने बजे? मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो माली हूँ। अब आप बताएं कितने बजे है? मैं चला जाऊंगा 2 बजे। हाँ, और 5 बजे आ जाऊंगा। कल की तरह? कल की तरह आप लोग जाओ, उतरना फिर मैं इसको 6 बजे तक चेक करेंगे। देख लें आप लोग। ओके जी। किधर है फूफो जान? किधर है? बहुत ज़्यादा बिजी है थोड़ी, तो आज व्लॉग का आगाज मैंने किया है, मैंने स्टार्ट किया है। असिस्टेंट? हाँ जी, असिस्टेंट डायरेक्टर। यस, गुड। पैसे दे रही है आपको इस काम के? अभी तो उनको भी नहीं मिले, जब उनको मिलेंगे फिर देंगी। बड़ा टफ काम है जी, बहुत बड़ा टफ काम है। तो आप उनसे पूछिएगा फिर। ठीक है। हेलो व्यूअर्स, आज फिर ऑफिस जा रहे हैं और वही बोरिंग काम और हर रोज वही स्केड्यूल। मैं तो स्क्वायर बन जाऊंगी। हाँ, ये पीछे जो है ये एंजॉय कर रही है लाइफ और मैं काम काम जिम घर काम जिम घर, बस मेरा तो यही है। हौसला रखें, कुछ नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आती हैं शाहीना असद, तो वीडियो फिर कंटिन्यू होती है मेरे बगैर। यस, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद आपसे दूर। आज इतना टाइम कितना हो गया? आज सवा 11 हो गया और आपको सलाम नहीं हुआ। और सबको सलाम, नमस्ते, सारों को सत श्री अकाल, आदाब, जो जो मेरे पूरी दुनिया में इंसानियत है उन सब के लिए सलामती की दुआएं, अल्लाह के रहम की, मोहब्बत की, प्यार की, सब जज्बे आपके लिए। दिन का आगाज तो काफ़ी देर से हो चुका है, मैं ही कोई बिजी थी, कहीं गई भी हुई थी अच्छा साहब के साथ, और फिर मेरा ये डिज़ाइन भी मैंने कहा दिखा दूँ ज़रा अपना आउटफिट, चेक आउटफिट ज़रा चेक कर लें मेरा कैसा लग रहा। ये कहाँ का है आपका? ये सफ़ायर का है, सफ़ायर का है। तो बहरहाल चलता रहेगा जिंदगी का सिलसिला। इस वक्त तो मैंने ज़रा दही पकड़ी है, मैंने कहा थोड़ी सी दही खा लूँ, दही खाऊंगी तो फिर ज़रा मुझे अच्छा लगता है दही खाना, दही मेरी फेवरेट चीज़ है। यस, तो दही मैंने कहा थोड़ी सी लेती हूँ। फिजा ने मुझे पता है कि बड़ा अच्छा इसका आगाज सुबह कर दिया होगा, और सुबह फिजा ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा होगा। बाकी अच्छा साहब जो है मुंशी प्रेमचंद तो नहीं है आज, सीरियस हैं इस वक्त, कुछ मेरा ख्याल है बिजी हैं, कोई गहरा काम कर रिएक्शन में वही बात ना, अभी ये लग नहीं अच्छी लगती है। लगती अच्छी, मैं जरा वो शुक्राने का जो लोग आए थे ना उनको थैंक्स का एक ड्राफ्ट बना रहा हूँ, सबको एक हम लैंग्वेज में एक ड्राफ्ट करें, आपका शुक्रिया आपके आने से 4 चांद लगे और 15 सितारे लगे। मैडम दिखाए दही खाती हैं ये, जिसने हमें ये रिजल्ट दिया, हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, कौन सी चीज़ है जिसका हम शुक्र अदा करें। और चूंकि सारी दुनिया में मेरा देखा जा रहा होता है, तो आप ये ना कभी सोचें कि ये अल्लाह कह रही हैं या ये रहमान कह रही हैं या रब कह रही हैं, काम सिर्फ जो है ना वो ही कर रहे कायनात। तो इस चीज़ के घबरा के या पीछे ना हट जाएंगे, ये तो मुस्लिम है भाई, हमने इनका व्लॉग नहीं देखना। ये जो मजहब है या दीन, हमारा दीन इलाही है, हम सब मिलते हैं, अल्लाह ने एक दीन हमें दिया है जो एक परफेक्ट है, जिसमें हर चीज़ बता दी,
उससे घबराना नहीं है, आप अच्छी चीजें उससे लें। अगर किसी भी व्लॉग में किसी भी मजहब के कोई भी मजहब का बंदा कोई व्लॉग बना रहा है तो आप उससे अच्छी चीजें निकालें, आप अपने अपने आप को संवारें। हो सकता है किसी के व्लॉग से भी आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए। तो व्यूअर्स, बस मैंने यही कहना था, इस चीज से पूरी दुनिया में जिस भी मजहब से हैं, जिस भी दीन से है, आपने घबराना नहीं है कि ये तो मुस्लिम है भी, इनका व्लॉग नहीं देखना, ये तो ईसाई है या ये हिंदू है या ये सिख है, नहीं, सबका देखें, जो आपको भला लगता है उसका कंटिन्यू कर लें उसको, और देखिएगा उसमें से आप बहुत कुछ पाएंगे। और ये हमारी हेड शेफ इन द किचन मेकिंग दाल, क्योंकि हम बिरयानियाँ और कोरमे खा के तंग आ गए थे, तो हमने कहा आज दाल ही खाएंगे और बनाएंगे। दाल बना दी हमने मूंगी की, यस, मूंगी की धुली हुई दाल है। अपने ये छापा में खाना खा रहे हैं, साफ पूछ भी लो इनसे कुछ, क्या प्रॉब्लम है ना। मैं यही कह रही हूँ कि कितने बजे आप स्टूडेंट्स को पकड़ेंगे? 2 बजे निकल जाऊंगा, अभी 1 बज रहे, तो आप लोग बताएं, आप लोगों को ड्रॉप करूंगा। वो कल वाला ही है, वही स्टूडेंट, वही डिस्टेंस, वही सब कुछ। 3 बजे का टाइम है? नहीं, 2:30 बजे का। तो फिर तो आप हमें इस वक्त निकलते हैं, निकलना चाहिए। कुछ चीजें खरीदनी थी, जैसे ये हैं, कुछ और चीजें निकले हुए निकले फिजा को, फिजा बेटा आज और शाह बाबा कहने हैं निकले। फिर किधर जाना है आपने? ये हम पहले जाएंगे इधर इंडिया बाजार में, वहाँ से एक तो आपने आटा लेना है, गरी का तेल लेना है, ये सारा कुछ आपने रक्षा करें या टांगा करें? टांगा, टांगा, टांगा लेके जाएं आप। इधर टांगा कौन सा ऐसा जान? टांगा यही टांगे टांगों पे जाएं पैदल, इतनी सी रास्ते के लिए आप गाड़ी पे जाना चाहती हैं और मेरा टाइम जाया करना चाहती हैं आप? तो $100 घंटा लेता हूँ मैं और आप मुझे इसमें लगा रही हैं। आप तो कभी ऐसे न थे, आप तो कभी ऐसे न थे। और ये फिर कहाँ से लेना है जीरो? ये वॉलमार्ट से लिया हुआ है, है ना, तो वॉलमार्ट से ले लेंगे ये। हेलो व्यूवर्स, अब हम जा रहे हैं, आप भी कहते होंगे शहना सद, फिजा, मोएज जान सद, मोएज तो खैर जॉब पे, हम फायदा उठा रहे हैं मोएज की जॉब का कि हम निकल जाते हैं, तो फिजा जान को साथ लेके, तो आप घबराए नहीं, ये शाह बाबा की आदत है कि इनकी जॉब जिधर हो ना ये मुझे उधर ले जाते थे और उधर कहते थे आप घंटा सैर सपाटा करें, 2 घंटे तो मैं आ रहा हूँ, किसी मॉल पे उतार देना, किसी जगह कर देना, फिर मैंने जो शॉपिंग करनी, जो खरीदारियाँ करनी वो मैं कर लिया करती थी, और फिर बस तो ये ही रूटीन हमने, अब फिजा आई है तो उसके साथ कर लिया है, देखें कब तक चलती है ये रूटीन। आजकल फारिग है ना सज्जन ज्यादा, इस वजह से। हाँ जी, अब उंगली करें आप। मैंने कहा मैंने शादी करके इनको चौड़ कर दिया, बहुत चौड़ किया इन्होंने मुझे, अब फिजा जान आ गई है, अब उनको चौड़ कर देंगे, अब हम उनको चौड़ कर रहे हैं, लेकिन मोए जान तो वो चीज नहीं कर सकेगा जो शाह जान करते हैं, वो भी करेगा, वो थोड़ा बिजी है, लेकिन चौड़ का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही आजाद या कुछ, ये सारा काम करके आई है दोनों लड़कियां। हाँ ये है, कुकिंग, शुकिंग, वो अपने हस्बैंड का नाश्ता, पैकिंग, सब खाना खुना, मुझे भी जो है दिया सब कुछ, खाना खुना यही होता है और क्या होता है, और क्या फिर सैर सपाटे करो, क्योंकि पाकिस्तान की लाइफ जरा और है, तो यहाँ की लाइफ कुछ और है, यहाँ इतने काम नहीं है मैं देखती हूँ ना, दूसरा फिर हमारी फैमिली भी जान छोटी है, ये भी वजह है। बर्तन धोना, वो डिश वॉशर है उसमें डालते हैं सारे दिन के, रात को ऑन कर देते हैं, सुबह निकाल लेते हैं,
आटा गूंदने मशीन है, उसमें आटा और पानी डाल देते हैं, वो खुद ही पानी और आटा मिक्स करके बना के वो गए। तो कोई वाकई कोई इतना इश्यू नहीं है। कपड़े धोने, वो लॉन्ड्री, हाँ। ड्रायर करने, वो ड्रायर में आने हैं, उनको आप हैंग कर दो, बस बात खत्म हुई। अब तो मैं कहता हूँ इनकी जो है ना और आसानी इनके लिए कर दूं कि एक मेरी दोस्त है उनको कहूँ वो आके कुकिंग कर दिया करें, ये सोती रहे ऊपर। आसानियाँ नहीं जाते जा बाबा, आसानी भी इनको आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहरहाल निकले हैं इस वक्त मॉल में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मॉल में जब जाते हैं तो आपको दिखाते हैं वहाँ के कारनामे, वहाँ का हजूम, वहाँ की पब्लिक, वहाँ का बाजार। मॉल भी एक बाजार है ना, जैसे पाकिस्तान में बाजार होते हैं, मार्केटें होती हैं, इस तरह मॉल एक मार्केट है, एक बाजार है। तो बस हम बाजार जा रहे हैं जनाब, तो आपको फिर वहाँ की कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। हाँ आप ठीक है, हम मॉल में पहुँच गए हैं अगेन। ये तो मार्केट है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये मॉल इधर कह देते हैं, हमारे मुल्कों में इसे मार्केट कहते हैं, शॉपिंग करना, ये करना, वो करना, लेकिन हम तो यहाँ सैर सपाटा करने आए हुए हैं और मूवी बनाएंगे और व्लॉग बनाएंगे, एंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, हम हडसन बे सेंटर हुए हैं गाइस, हम शर्वे आए हैं और लास्ट टाइम हमने ये मॉल इतना दिखा दिया था कि इस दफा हमने कहा है कि नहीं, हाँ, देखा हुआ सब आपने है, इस दफा हम सोच रहे हैं कि नहीं दिखाते, क्योंकि बार बार मॉल क्या दिखाना है, तो इस वजह से हम आपको मॉल नहीं दिखा रहे। अदरवाइज हम तो खरीदारी कर रहे हैं मगर बस मुनासिब नहीं लग रहा कि बार बार हम वही चीज़ वही मार्केट आपको। हाँ जी फिजा जान, आज अजीब बात हुई है, ये हम इस वक्त बैठे हुए हैं गोर में आके खाने वाले फेर में, गोर में फेर, और ये इसका शर्वे गार्डन का, मगर ये अजीब बात है कि हम जो आज खाने का एक मूड बनाया हुआ था कि हम यहाँ से लेंगे फिजा, क्या ऑस्मोस शवारमा एक है, मिडल ईस्टर्न खाना, हाँ बड़ा मज़े का होता है वैसे भी, अल्लाह राम का उसमें पूरा पूरा सिलसिला है। तो अब ये देखें हम बड़े बोर होके बैठ गए हैं कि यहाँ मदीना विला है, टी मॉडर्न है और इस तरह, मतलब इनका फ्राइज है तो बहुत प्यारा, लेकिन लिमिटेड लाइक दुकानें, हाँ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, ज़्यादा नहीं है ऑप्शन, बात है ये सही कह रहे हैं, शायद कोई रखा हुआ इन्होंने कि ऐसा ऐसा अगर कोई ऑफ शायद, हाँ शायद, मगर अभी फिलहाल यहाँ कम है, अभी चले फिर विला मदीना देखते हैं, विला मदीना चलो चलो देखते हैं, लेट्स गो। ये हम इधर से मदीना विला मदीना से हमने कुछ ऑर्डर किया है, देखें क्या ऑर्डर आता है, अब आएगा तो पता चलेगा। क्या किया ऑर्डर फिजा? एक तो हमने प्लेट किया, हाँ प्लेटर किया है, और क्या खाया है साथ में? साथ में एक कोक लूंगी, हाँ हम दोनों को वो काफ़ी होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो हाँ सब कुछ है, सब कुछ वो हम दोनों के लिए काफ़ी है, अब आता है तो पता चलेगा मज़ेदार है कि नहीं मज़ेदार। ये हमने लिया है विला मदीना, ये हलाल है इसलिए हमने इसे लिया है, और तो कोई था नहीं इधर, इधर बहुत कम हलाल ऑप्शन, बहुत कम। ये हमने ली है आइस कैप, स्मॉल आइस कैप टिम हॉर्टन्स से, और फिजा जान जो है ना अपना करियाना जो सीख रही हैं, क्योंकि सीख रही है ना कि ये क्या है, ये कितने का, ये कितने का, ये देखें स्वीट गुड़िया है हमारी बड़ी प्यारी सी, ये लाउंज है जिधर से लोग उधर से खाने ले आते हैं, प्लेट में डाल के ये ट्रे लेके और यहाँ आकर बैठ जाते हैं और आराम से मज़े से खाते हैं, क्योंकि यहाँ देखें साइड पे जो है ना आउटसाइड सीन भी है
मजा आ रहा है, सर्दी है तो धूप ही आ रही होगी। इसी तरह पीछे भी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये सारे देख रहे हैं। शाह बाबा आ गए हैं गाइस, हाँ जी हाँ जी। शाह बाबा आप क्या खाएंगे? जो मैंने पहले घूम लिया ना उसका वो इतना टेस्टी नहीं है, ये ज्यादा मैं तो आइस कैप भी पी है। और अच्छा बाबा ने अब वो स्टारबक्स ली है, उसके साथ उन्होंने ये ले लिया, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट अच्छा है। अच्छा बाबा ने अपनी स्टारबक्स ली है, बाबा खोल के दिखाए, खोल के दिखाए यार वो डर जाएंगे। मैं डरूंगी वो उनका पता नहीं। कोई कोई पीता है दुनिया में, इतना बड़ा प्योर ब्लैक कॉफी, कोई शुगर कोई क्रीम कोई मिल्क कुछ नहीं इसमें। एनी कमेंट्स? ये जो है ना ये आपकी चर्बी गाल देती है, मेरे को साफ कर देती है, ये इसका सबसे बड़ी बात है कि छूट करती है, उनका मैदा कबूल करता है। हम तो एक घूंट पिए तो मैदे में जलन होने लग जाती। देखो आए यहाँ पे, आप देखें कितनी प्यारी प्यारी कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स, खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। वाओ, ये एक बुक स्टोर है लेकिन यहाँ तो बुक कोई नज़र ही नहीं आ रही। अभी आगे जाके दिखाती हूँ। ये देखें, सो प्रिटी। ये देखिए हम टेस्ला के ना शोरूम के सामने खड़े हैं, एंड इनकी ये देखें नई गाड़ी जो आ रही है, ये फ्यूचर गाड़ी जो आज गरीब से दिखाते हैं। चले शाह बाबा फूफो जान, यही मुझे गिफ्ट कर रहा मेरे साल के आ रही है, मुझे यही गिफ्ट कर भाई, उड़ते फिरेंगे उड़ते फिरेंगे। मैं और फूफो जान, मैं और फिजा उड़ते फिरेंगे। ये कितनी बड़ी कितनी बड़ी है देखो, अंदर कोई फंक्शन नहीं है, छवा कुछ नहीं है, पार्किंग रिवर्स गियर कुछ भी नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक है, उसके जो हैंडल है उसके टोटली इलेक्ट्रॉनिक। ये देखें जी टेस्ला में, फिजा ने टेस्ला गाड़ी खरीद ली, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। मैं तो ख्वाहिश कर रही थी, गाड़ी उसने खरीद ली, और असद सब कह रहे हैं मैं आगे बैठूंगा, और फिजा जान पीछे बैठ गए। हेलो फिजा, मुबारक हो आपको, आपने ये गाड़ी खरीद ली। इधर देखें क्या लगी हुई हैं आप हर वक्त, आप इतनी बड़ी गाड़ी आपको गिफ्ट में मिल गई है आपकी, निकल आया। ओके सब छोड़ दिया, जबरदस्त, आ जाए फिर आप। मैं तो कहती हूँ 15 तारीख आ रही है, ये टेस्ला ही मुझे ले दो, उड़ती फिरूंगी मैं और फिजा जो है, फिजा ने तो ले ली है ना अभी, उसने तो ले ली होता अच्छी गाड़ी ले ली, ले ली इसने उड़ती हुई गाड़ी जिसके विंग है सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक। ये रोबोट है जी टेस्ला का, ये बिल्कुल जो है ह्यूमन बीइंग की तरह काम करेगा, ये इधर लिखा हुआ है designed to do those jobs which are kind of boring for human being, ये उसके लिए काम करेगा, और ये मार्केट में आ गया है। ये तो खैर ट्रक है लगेज के लिए और सारे काम, कमाल है यार। 10 सालों में जो है ना मेरे ख्याल में दुनिया बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, जिस स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं ना 10 सालों में फिजा जान, दुनिया बिल्कुल, ये रोबोट्स आ जाएंगे, बीवी की जरूरत ही नहीं होगी, वो मेरा मतलब ये नहीं कि खावंद की जरूरत, खावंद की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसने काम ही कराना है ना, तो बच्चों की भी जरूरत है कि नहीं, वो ये बच्चे रोबोट से निकल आएंगे। अच्छा।
ये आपको पता है ना, क्रिसमस के दिन सजा के बैठी हुई हैं बेचारियाँ, लेकिन रश कोई नहीं है, खाली पड़े हुए हैं इतने इतने बड़े स्टोर्स। क्या कोई कहे कि क्या कहे हम, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये जा रहे शाहजहां किधर से, उधर से हम, ये ऊपर भी है एक स्टोरी। तो हम जनाब अब इस मॉल से निकल रहे हैं, शर्वे गार्डन है यहाँ से निकल रहे हैं शाम। ये देखें सब्जियाँ पड़ी हुई, पता नहीं ये मसरूमी सब्जियाँ जेली बनी हुई, लॉबस्टर, ये लॉबस्टर बनाओ है। खाना है आपने? अगर खाना है तो फिर तैयार कर देते हो। ये देख भाई शाम हो गई, ये देखें जी हमारा हो गया आज का टूर कंप्लीट यहाँ का। चलते हैं फिर बातचीत करते हैं आपसे। ये व्यू देखें कितना प्यारा लग रहा है, इसमें बादल और चांद निकला हुआ है। ये देखें ये कितना प्यारा है, इधर भी देखें सारा माशाल्लाह। वो खंभे है ना, मैंने इसलिए कहा ये तो चांद भी है ना, जो माती ओला बल का चांद। ये है रब का नजारा, रब की खूबसूरती। क्यों फिजा? यस, रब की खूबसूरती का तो कोई मैच नहीं। जो नेचुरल है वो तो कोई मैनमेड से नहीं कंपेयर कर सकते, नहीं कंपेयर कर सकते। तो एकदम शायद कैमरा उतनी खूबसूरती ले रहा है कि नहीं ले रहा, जो हम देख रहे हैं, जो आंख देख सकती है, जो नजर आ रहा है, पर्पल आसमान हुआ है ना। हम अभी घर आए हैं और ये दो पार्सल आए हुए हमारे। ये क्या क्या है आप खोल के पता चलेगा क्या क्या? सरप्राइज सरप्राइज, पता नहीं मोहित ने कुछ ऑर्डर किए थे अमेज़न पे। लेट्स सी, ये है कार फोन होल्डर। अच्छा खोल के दिखाएं ना मोहित खान। व्हाट इज, आ गया वो भी गिफ्ट आ गया। गिफ्ट आ गया, कौन सा गिफ्ट आ गया? हेलो झा बाबा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आई व्यूवर्स है जो है ना, व्यूवर्स सोने सोने मखनों ते घुगु घोड़े ओ ऐसी कार पहुंच गया जे, रात पै गई जे और दिन गुजर गया जे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा सोहना दिन कढ़िया, अनबॉक्सिंग बड़ा सोहना दिन कढ़िया अल्लाह पाक ने। ते मैं कहनी हां ताडा भी सोहना दिन निकलिया होवे, मैंने बहुत एंजॉय किया और हमने कल भी एंजॉय किया अनबॉक्सिंग और आज हमने फिर एंजॉय किया, क्योंकि देखे हम गांव का एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह मियां एंजॉय करा रहे हैं। ये क्या है? इलाबिते ये भी खोल के दिखाएं ना। अच्छा ये फोन होल्डर है, ओके ठीक है। आपका फोन होल्डर है गाड़ी में लगाने के लिए। शाहजहां मेरा ख्याल है कि बड़ी, ये व्यूवर्स आपको देख रहे हैं जो आपके आशिक हुए पड़े हैं, इतना ज्यादा वो आपको प्रेज कर रहे हैं। अच्छा। इतनी ज्यादा वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो उदय रान हूँ की भाई मैं साहब ने तो जादू शायद कर दिया लोगों के। खाना मैंने गाया, तारीफ आपकी हो रही है, ये कैसी अजीब बात है। मैं बड़ा सीख रहा हूँ, मैं बड़ा सीख रहा हूँ। मैं वो ही, मैंने पहले भी बताया था कि मुझे कुछ नहीं समझ, मैं बिल्कुल क्लास वन में हूँ इस वक्त। और फिजा क्यों पीछे हो रही है कैमरा में? आगे हो जाता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। तो मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, बड़ा इन्जॉय करता हूँ। और यकीन माने कि आप परेशान ना हो, बड़ी ज़बरदस्त बातें करूँगा, बड़ा हंसेंगे हम लोग, बड़ा मजा करेंगे, डोंट वरी। पर बात ये है कि बिस्मिल्लाह 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 के बिस्मिल्लाह ये है कि व्यूवर ये चाहते हैं कि आप गाना गाया करें, आप मुझे ना कहें।
क्योंकि आपकी आवाज व्यूवर्स को बहुत अच्छी लगी है। ये जो जरा सा आपने मेरे साथ गुनगुनाया था, जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया। मैं तो जानती हूँ, मैं तो जानती। आप तो जानती हैं, मैंने वाकई जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया। है कोई नहीं, गाएंगे जरूर गाएंगे। ये क्या बात है, ये क्या बात कर दी आपने। ये तो है तो अब मेरा ख्याल है इजाजत लेती हैं, अपने ब्लॉग का एंड करते हैं आज के दिन का, क्योंकि काफी सारा दिन गुजर गया है और इस वक्त काफी रात भी हो रही है और हमें अब इस वक्त आराम करना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल 8 बज गए 8। तो व्यूवर्स, मेरे सज्जन मित्रों और असद के भी खंड खड़ो क्योंकि अब तो असद साहब भी हैं साथ शामिल, तो आप से इजाजत चाहते हैं, खुश रहें, आबाद रहें और हमारा व्लॉग जिस शौक से आप देख रहे हैं, अल्लाह करे वह शौक आपका डबल हो जाए और हमारे जो है सब्सक्राइब वो भी बढ़ते चले जाएं इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने व्यूवर्स हैं उतने सब्सक्राइब नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने लोग देखते हैं हमारे वो उसको काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें। एक बटन दबाना है, एक बटन दबाना है आपने। ये मुझे बताएं कि फायदा क्या है, किसको है क्या, व्यूज ज्यादा होंगे ना जितने सब्सक्राइबर्स होंगे। हमसे पूछेंगे बाद में सवाल, इस वक्त हम क्लोज कर रहे हैं। ये व्यूवर्स का कोई काम नहीं इसमें, जो आप उनसे पूछते हैं। देखा ना व्यूवर्स, इनका तो समझ नहीं आती, जिस सवाल का आपसे ताल्लुक नहीं वो आपसे पूछ रहे होते हैं और जिस सवाल का हमारे से ताल्लुक नहीं है हमसे पूछ रहे होते हैं। तो अच्छा, अल्लाह पाक इनको बस बताए कुछ ना कुछ, हम क्या कह सकते हैं। वो अपने डोले आगे चकने लगे हैं, वो इस काम में पड़े हुए हैं कि सुबह सुबह भागते भागते वो जाते हैं जिम में, डोले बनाते हैं और आ जाते हैं और वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो आपसे नहीं करने। तो ठीक है, इजाजत दें हम सबको अपनी तरफ, अल्लाह पाक की रहमतें आप पे हो, हम पे भी हो, खैर से सोए, खैर से उठें, जिनकी सुबह हो रही है उनके लिए सुबह की खैर, जिनकी इवनिंग है, दोपहर है, शाम है, उनके लिए शाम की दुआ, खैर की दुआ। तमाम दुनिया के जितने लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये हम करते रहते हैं और आप सारों को हम करते हैं। सो शब खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल और नमस्ते, बाय बाय। सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें। सिर्फ आपने देखना है जब, तो काइंडली आपने उस वक्त सब्सक्राइब भी करना है, ये हमारी आपसे दरखास्त है। तो इजाजत देते हैं, बाय बाय, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह जिंदगी रही। तो ये इनकी तरफ कैमरा करते हैं, ये उंगली नजर आ रही सबको, पूछना ही कुछ नहीं, तो बाय बाय, फिर बाय बाय, बाय बाय। वो राहुल गांधी कहते ना, टाटा खत्म, टाटा।